बहुत तांगा बेअंतहा तांगा मैं बंदे बंदे दे पैसे देवने मेरे पुत्रा मैनू मार गत्या था मेरे पोत्रे एडे भुखे बाने हो गए उन्होंने मेरे को जदात ही ना करा लिए ते मार ममता सरगाने दे मैं पैसे देवने उस पटवारी आई उस को मेरे ना करवाई जमीन अगू तो मोर मेरे पुत्रा मेरे को लै लिया उन आख्या जी पैसे तो भरने मैं बहुत तांगा मैं इतने खुद के शिकार के मर जावना आज डूब डूब की जगह मैं था ही छलान मरेसा मैं मेरी जेब 200 रुपया है जेड़ा मेरे पुत्रा मैं घरों का ढेंदी बाकी भी खोल है यार मैं हूं मर जावना इतने खुद को शिकार के चंगी मेरे पुत्रा मेनू घरों घर छड़िया मेरे को 200 रुपया भी ला लिया मेनू घरों घर छड़िया ले मैं मरना है महंगाई आप अकेले के लिए नहीं है हम भी बोल रहे हैं महंगाई का क्या है ए तुहानू लगदा महंगाई का ही नहीं मैं कल सौदा लवन गया अपने बाला वास्ते उन्ना मैंने पैसे नहीं दिते मैं दुकान वाले ने आख्या मैंने 1 किलो घ्यो दी इकबाल दे चा उस आख्या है भाई 450 रुपये का किलो है महंगाई सबके लिए आप परेशान ना हो आप अपनी सेहत देखें और अपने काम देखें आप गिर गए ना नीचे तो आप इतने चिड़ी जितने हैं आपकी एक भी हड्डी नहीं मिलेगी हाँ हमारे पास पैसे हैं आप वो रख लें आपके कुछ 2-4 दिन का गुजारा हो जाएगा ये नहीं आप मरने ये मैं नहीं ले रहा मैं मरना है अंकल बात सुने दस आपने पकड़ तो बड़ी जल्दी लिए हैं आप ना तुझे रख लो मैं मरना है मैं बहुत ऐसा करें ये चाबी रख ले मेरे मकान की चाबी रख मैं मरना नहीं चाहिए बात सुनो मेरे मकान की चाबी भी रख ले भाई ने पैसे भाई मोबाइल भाई मोबाइल दे दो मोबाइल ओप्पो का मोबाइल भी रख लो अब मेरी बात सुने आप हमें फोन करके बताएं जिस चीज की जरूरत हो हम आपके घर तक पहुंचा दें बात सुने आपका ये 1 माह का खर्चा है जो हमने आपको दिया बेफिक्र है मोबाइल देख लें आप ओप्पो का मोबाइल है पैसे और ये मोटरसाइकिल की चाबी है आपका गुजारा हो जाएगा आप बेफिक्र तो चाचा जी 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 तो हम जा रहे हैं अच्छा। आप अपना ख्याल रखें अगर आपको कोई चीज़ की ज़रूरत हो तो हमें बता दें ठीक है हम कारोबारी आदमी है आप अकेले की टेंशन हम उठा सकते हैं आप हम दोनों करेंगे आपका हाँ हम दोनों भाई आपका करेंगे ठीक है इंसान ज़िंदगी से और हालात से जितना भी तंग हो हमारे इस्लाम के मुताबिक खुदकशी करने वाला इंसान हराम करार दिया गया है ये वीडियो बनाने का हमारा सिर्फ एक यही मकसद है कि आपको समझा सके शुक्रिया